नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा दो क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी के हैं, और ये एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछे हैं, ठीक है। इससे पहले भी वीडियो में आपको बना चुका हूं सेट पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैंने एक्सप्लेन करें, सेट को बहुत अच्छी तरह समझाया है। यदि आप उस चैप्टर की प्लेस देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आई का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक कर आप इस चैप्टर की प्लेस और दूसरे चैप्टर की प्लेस देख सकते हो। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है स्टूडेंट, रियली बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर नहीं पाते। हम देखते हैं क्लास के अंदर भी देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाते, राइट। जरा समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। लेकिन ये काम किसकी हेल्प से करना है, यूज़ द प्रॉपर्टी। आप ऐसा नहीं कि सेट ए ले लो कोई, फिर सेट बी ले लो, ठीक है ना, उसमें ऑपरेशन लगा के निकाल दो। अधिकतर कोई स्टूडेंट कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है, ये करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअली। देखिए करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन फर्स्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए प्रूव करना है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। इसे समझने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं स्टूडेंट। यदि मैं आपको कहूं कि ए इंटरसेक्स यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है सेट में, सेट में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है सर, ये कहता है कि इसका यूनियन इसके साथ कर लो, ए यूनियन बी कर लो सर, और यहाँ पर जो है उसको यहाँ लगा दो इंटरसेक्शन, और फिर ए यूनियन क्या कर लो सी कर लो, ठीक है ना। या सर कहीं पर ऐसे लिखा हो तो आप उसको ऐसे भी लिख लो, है आपसे कहा जाए कि इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और इसे जरूरत पड़ने पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन द सेट थ्योरी, राइट। अब देखिए इसमें से ये नंबर एक तरह से कॉमन आएगा, तो हम इस पूरे नंबर को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इस बात का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। दूसरी बात हम ये समझ लें कि हम एक सेट ए को क्या लिख सकते हैं, एक सेट ए है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, उस सेट का आप यहाँ पर लिख लीजिए कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल लेने पर क्या आता है, ऑलवेज ए आता है। कोई भी सेट लीजिए, उस सेट का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, हमेशा वही सेट आएगा, राइट। अब देखिए यूनियन और यहां क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इस ए को क्या लिख लिया है, ए को इतना लिख लिया है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जरा देखिए इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड कर रहा हूं, इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, ये चीज तो कॉमन आ जाएगी एक तरह से, तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल यूनिवर्सल यूनियन क्या आएगा, यूनिवर्सल यूनियन बी, ये तो आएगा। देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, यहां पर ए इंटरसेक्शन यहां लिख लिया गया, यूनिवर्सल यहां पर आ गया, यहां पर क्या आएगी, ये यूनियन का साइन है, सॉरी ध्यान रखें, यूनियन यहां पर आ गया और बी यहां पर आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए कि आप इसको क्या लिख सकते हो, यूनिवर्सल का यदि हम B के साथ यूनियन निकालें, किसी सेट का यूनिवर्सल के साथ, कोई हमारे पास सेट A, इसके एलिमेंट हमारे पास 1, 2, 3 है, राइट, और हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5। स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें, यदि आपको सेट की प्राइमरी नॉलेज नहीं पता है तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो शायद समझ में नहीं आएंगे, इसलिए सेट के पुराने वीडियो बहुत अच्छी तरह देख लें, आपको दो मिनट समझ में आ जाएंगे, राइट। मैं आपसे कहूं कि आप इन दोनों का यूनियन निकालिए, तो ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन यूनिवर्सल क्या हुआ, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन आएगा, यूनियन क्या होता है कि टोटल एलिमेंट लिखना, तो इन दोनों के टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आया नहीं आया, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, तो किसके बराबर आ गया है, ये यूनिवर्सल के बराबर आ गया। तो एक सेट का यूनिवर्सल के साथ यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा, तो अब क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, कितना आ गया, ठीक है। अब आप ये देख लें कि एक सेट का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। यही आपके पास क्या था, राइट हैंड साइड था, किसी सेट का यूनिवर्सल के साथ जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यही चीज आएगी, ए आएगा,
बहुत अच्छी तरह से बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई किया है, साथ में हमने इस बात का भी यूज़ किया है। राइट, इसका दूसरा पार्ट भी आपको सॉल्व कराऊंगा, एक बार बहुत अच्छी तरह से इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, इसका दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट बहुत ईजी है, कोई खास नहीं है, ये बात थोड़ी टेक्निक और ट्रिक थोड़ी समझ में आ जाती है तो बात दो सेकंड में सॉल्व हो जाएगी, है ना। टेक्निक और ट्रिक समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें प्रूफ सॉल्व करना है आपको कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर आएगा, ए के इक्वल आएगा। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये ना नंबर इशन, ठीक है। देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो होल्ड हुआ होगा, लेकिन साथ में एक बात और सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पर यूनियन है ना। यहाँ पर एक सेट के साथ, इस सेट के साथ किस सेट को अप्लाई करें यूनियन आने पर यही नंबर आ जाए। तो हम ये जानते हैं कि यदि ए सेट है, इसका हम फाइ के साथ यूनियन करें, ठीक है ना, फाइ के साथ यूनियन करें तो क्या आएगा, यही नंबर आएगा ना, यही सेट आएगा। तो हमें सेट ए की जगह इतना लिख सकते हैं क्या, है ना, लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए यूनियन फाइ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या करेगा, ए यूनियन और ए यूनियन एक तरफ लिख लो, ए यूनियन एक तरफ लिख लिया, अंदर क्या रह जाएगा, फाइ इंटरसेक्शन बी, ये तो आएगा। अब देखिए, फाइ का बी के साथ इंटरसेक्शन, किसी भी एम्प्टी सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। फाइ का बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, फाइ आएगा, ठीक है। तो आप यहां लिख लो कि फाइ इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाइ आएगा, राइट। तो आप यहां लिख सकते हो कि ए यूनियन फाइ, ये आ गया। अब जरा देखिए, ए यूनियन फाइ, ए और फाइ का यूनियन निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। आप ये लिख लीजिए कि सर ये ए आएगा, तो बराबर कितना आ गया, ये ए आया, यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। मैं समझता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और इनका करेक्ट आंसर आप अब दे सकते हो, है ना, और ये बात दूसरे स्टूडेंट को भी समझा सकते हो। समझाओगे ना, जरूर समझाइए। और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। ख्याल रखिए अपना, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।